हेलो बच्चों, तो अभी हमने जो करा अपने चैप्टर का एक प्रश्न हम लोगों ने तो आप कंप्लीट कर लिया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। और अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो आप लोगों को, आपको पता है कि आप लोग अपने सिस्टम के माध्यम से हैंडरेज कर सकते हैं। लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तो चलिए, अगर आप लोग रेडी हो एक बार हाथ खड़ा कीजिए, हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड पर। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों आप सभी, और अब हमको प्रश्न नंबर 5 देखना है, और यह है विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। यानी कि देखिए, दो चीजें हैं, आप इन कंपेयर करिए। एक है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसकी फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरा है विश्व बैंक। तो दोनों के अपने मापदंड हैं। मापदंड मतलब अपना अपना आपका क्राइटेरिया है किसी को कंपेयर करने का, क्लियर है? उनके कैसे हैं, अलग हैं। तो उन पहलुओं को हमको देखना है, यूएनडीपी का भी और आपका वर्ल्ड बैंक का भी, क्लियर है? इस तरह से अगर आप चीजों को स्पेसिफाई करेंगे तो चीजें बड़ी साफ और स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देंगी, ठीक है? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा इसमें। सबसे पहले देखिए उत्तर को, देखिए विकास को मापने के लिए यूएन डीपी द्वारा उपयोग की जाने जाने वाली कसौटी विश्व बैंक द्वारा इस अर्थ में उपयोग किए जाने अलग है, अलग है कि यह, सबसे पहला देखिए इसमें है आपका इसमें देखिए सबसे पहला स्वास्थ्य आपकी हेडिंग होगा, इसको देखिए स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य विकास मापने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। जिस देश के लोग के लोग, ये कह सकते हैं, लोगों की औसतन जीवन, औसतन का मतलब होता है एवरेज, औसतन
जीवन प्रत्याशा प्रत्याशा ज्यादा हो उसे ज्यादा विकसित माना जाएगा। क्या होगा उसको? ज्यादा विकसित माना जाएगा। इसको लिख लीजिए, अगला पॉइंट पर बढ़ेंगे शिक्षा की तरफ। देख सकते हैं आप लोग, क्लियर है? लिख लिया सब बच्चों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में दूसरा, इसमें जो आपका पॉइंट है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा है इसमें शिक्षा, इसको देखना है। शिक्षा को देखिए, किसी देश के शैक्षिक स्तर को देख के उसके विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? उस देश के विकास का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। ऐसा ही है तीसरा पॉइंट, आय। आय को देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल करके यह है अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस देश में जीवन स्तर क्या होगा, जीवन स्तर क्या होगा। अतः यह है विकास मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड हो सकता है।
एक महत्वपूर्ण मापदंड हो सकता है। अभी और है इसमें आगे थोड़ा सा, इसको भी लिखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए, एक महत्वपूर्ण मापदंड हो सकता है। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। यूएनडीपी किन कारकों के संयोजन को विकास के संकेत के रूप में उपयोग करता है, उपयोग करता है। यह केवल प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता है, जैसा कि विश्व बैंक के मामले में है। विश्व बैंक के क्या है आपका मामले में है, यह आपको ध्यान रखना है कि यह ऐसा कोई संकेत नहीं देता। क्लियर है यूएनडीपी, लेकिन यूएनडीपी में क्या डिपेंड है, वो बेसिकली डिपेंड है आय के ऊपर। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ये टोटली किस पे डिपेंड है, जितने भी कारक है। लेकिन वर्ल्ड बैंक किस पे डिपेंड है, अब देखिए, अगर आप लोग ये चैप्टर तो हो गया, देखिए पूरा क्वेश्चन हो गया, जो विश्व बैंक है उसका जो मापदंड है, सिंपल समझना, वो किस पर है, प्रति व्यक्ति आय पर। क्लियर है, और यूएनडीपी का बच्चों किस पर है, सीधा सीधा ध्यान दीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य इसी पर है, ध्यान दीजिए किस पर है, वो तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करता है। आय में देख रहे हैं, इनकार के लिए समायोजन के रूप में संकेत को प्रयोग करता है, आय भी इसका फैक्टर है। लेकिन वर्ल्ड बैंक किसको खाली वैरी कर रही है, केवल आय को। लेकिन यूएनडीपी क्या कह रहा है, शिक्षा भी होनी चाहिए विकास के लिए, स्वास्थ्य भी होना चाहिए, आय भी होनी चाहिए, तभी आप वहां किसी व्यक्ति का विकास होगा। ऐसा नहीं केवल आप पैसे के ऊपर बता दो कि प्रति व्यक्ति, अब आपकी जेब में पैसा तो हो लेकिन आपको हॉस्पिटल ना मिले, शिक्षा ना मिले, क्या फायदा है ऐसे पैसे का, बताइए आप मुझे, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल जिन बच्चों ने प्रश्न कॉपी नहीं किया है वो एक बार कर लें, मैं वापस प्रश्न दिखाता हूं। यहां से प्रारंभ किए थे ना, क्लियर है ये वाला, दूसरा क्वेश्चन तो है, विश्व के मापने के लिए, विकास को मापने के लिए यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए जाने वाली आपकी कसौटी, मतलब जो मानक जो मापदंड है, विश्व बैंक द्वारा इस अर्थ में उपयोग किए जाने से अलग है, यह है स्वास्थ्य विकास मापने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। जिस देश के लोगों की औसतन जीवन प्रत्याशा ज्यादा हो उसको विकसित माना जाता है।
यानी कि सिंपल समझिए, एक शब्द आया है औसतन जीवन प्रत्याशा, क्लियर है, यानी कि जिस देश के लोगों का जीवन की जो लाइफ है, उम्र है, वो ज्यादा हो, क्लियर है, हम उसको विकसित मानते हैं। अभी आपने सारणी में देखा था कि श्रीलंका के लोगों की आय भारत से ज्यादा है, भारत कितनी दिखाई थी बच्चों, भारत की मैंने कितनी बताई थी अभी, ध्यान दीजिए 6.8 याद है इतनी, ये थी औसत जीवन प्रत्याशा। आपको चैप्टर बड़ा आसान लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि अजीब सा है चैप्टर लिख रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, जब आप लोग सिविल सेवा की तैयारी करोगे, परीक्षाओं की, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी दोगे, ये प्रश्न बनते हैं इस प्रकार से, आपसे प्री में भी लिखवाएगा, मेंस में भी लिखवाएगा, अभी आप टेंथ हो फिर ट्वेल्थ में आओगे, फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन में आओगे, तो ये सब महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके सिलेबस में है तो बस हमें पढ़ाने के लिए दिया है, नहीं नहीं, इसका अपने जीवन में प्रयोग है, इसलिए हमारे सिलेबस में है। चलिए आगे देखिए, शिक्षा को हम फिर बात कर रहे हैं, शिक्षा पर, तो किसी देश के शैक्षणिक स्तर को देश के उसके विकास का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर देखिए आप केरल का कंपेयर कीजिए, जो आपका केरला है, केरला में जो साक्षरता दर है आप उसको देखिए कितना है, आपकी लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर पढ़ा लिखा कहीं है तो आपका केरल में, वहां का एजुकेशन जो आपका पॉलिसी है, वहां के जो चीजें हैं आप उसको देखिए, और राज्यों को, और आप उसी का तुलना आप बिहार से कर लीजिए और राज्यों से कर लीजिए, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि एजुकेशन यानी शिक्षा का क्या महत्व है। उसी तरह से आप लोग प्रति व्यक्ति में देखिए, प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल करने का अंदाजा लग सकता है कि उस देश में जीवन स्तर कैसा है। अगर आपके जेब में पैसा होगा तो आपका लाइफ स्टाइल तो चेंज होगा ही ना बच्चों, आपके जीवन जीने के तरीके, आपके खान पान, आपका पोषण स्तर, उन सब में बदलाव दिखाई देगा। और कह रहे हैं कि यह विकास के लिए महत्वपूर्ण मापदंड हो सकता है, ऐसा है, हो सकता है, जरूरी नहीं हो, किसके अनुसार, यूएनडीपी के अनुसार, क्लियर है। यूएनडीपी इन कारकों के संयोजन को विकास के संकेत के रूप में उपयोग करती है, कि अगर ऐसा है तो मैं संकेत मानती हूं कि अगर स्वास्थ्य अच्छा है, शिक्षा अच्छी है, आय अच्छी है, तो कह सकते हैं कि हाँ भैया ये देश आपका डेवलपमेंट होगा, इसकी स्थिति अच्छी है, और कोई भी एक फैक्टर अगर वैरी नहीं करता तो मैं नहीं मानती। जबकि वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि भैया सब कुछ डिपेंड है आय के ऊपर, पैसा होगा तो सब कुछ ठीक होगा, शिक्षा भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा, जीवन भी ठीक चलेगा, ये कह रहा है आपका वर्ल्ड बैंक। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया, एक बार हाथ खड़ा कर लीजिए, और समझ आया हो तो बहुत बढ़िया। जैसी बुग्गा वाला की केवल एक बच्ची हाथ खड़ी कर दी, बाकी साफ पता नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग इस प्रश्न पे, देखिए मैं इनको क्लीन कर देता हूं थोड़ा सा, जो हमने पढ़ लिया है। अब देखिए ये हमारा है, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, एवरेज का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, इनके प्रयोग करने की क्या कोई सीमा है, विकास से जुड़े आप अपने उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। क्या करना है आपको, इसको पढ़ना है और इसको आपको स्पष्ट करना है। चलिए तो आप लोग रेडी हैं लिखने के लिए, चलें। चलिए बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लीजिए, बहुत अच्छे। देखिए हम औसत का उपयोग करते हैं क्योंकि वे एक ही श्रेणी के अलग अलग मात्रा की तुलना करने के लिए
उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए देखिए, किसी देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए औसत का प्रयोग या औसत का उपयोग करना होगा। क्योंकि विधिवत लोगों की आय में अंतर है, आय में अंतर है, हालांकि औसत के उपयोग औसत के उपयोग की सीमाएं हैं की सीमाएं हैं। क्या कह रहे हैं भैया, इसकी भी कैसी हैं आपकी लिमिट्स हैं। क्या लिमिट है? भले ही वे तुलना के लिए, पहले इसको लिख लीजिए आगे बढ़ेंगे, भले ही तुलना के लिए उपयोगी हो, तुलना के लिए उपयोगी है। लिख लीजिए जिनका रह गया, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तुलना के लिए उपयोगी हूं, लेकिन वे असमानताओं को भी छिपा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो असमानता है उनको भी आपका छिपा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, क्या उदाहरण के लिए, किसी देश में शिशु मृत्यु दर उस देश में 1     शिशुओं के बीच
के बीच अंतर नहीं करती है। अब देखिए जो आपका शिशु मृत्यु दर होती है उसमें यह अंतर नहीं कर पाती है कि पुरुष ज्यादा मर रहे हैं या आपका महिला, यानी कि उसमें बच्चे अधिक थे कि बच्चियां, शिशु मृत्यु दर में एवरेज में ये कंफर्म नहीं होता हम लोगों को। बस हम बोल देते हैं कि औसत एवरेज जो डेथ रेट है वो इतना परसेंट है या हजार में 50 है, 100 है, 20 है, लेकिन हम लोग ये डाटा कंफर्म नहीं कर पाते कि उसमें आपका लड़का था कि लड़की थी, ये अंतर नहीं हो पाता है एवरेज में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस तरह है, का एक औसत हमें इस बारे में कुछ नहीं बताता है। क्या नहीं करता? हमें इस बारे में आपका कुछ नहीं बताता है कि एक ही उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या में ज्यादातर लड़के हैं या लड़कियां। अब कह रहे हैं कि यह नहीं बता पाता कि ज्यादातर लड़के हैं कि लड़कियां, ये इसके बीच दिक्कत है। ये थोड़ा सा आप इसको कॉपी कर लीजिए और ध्यान रखिए, आपको समझ आएगा। तो एक बार फिर देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, हम औसतन का प्रयोग करते हैं क्योंकि वे एक ही श्रेणी के अलग अलग मात्रा की तुलना करने के लिए उपयोगी है। यानी कि श्रेणी यानी कि क्रम अलग हो सकता है लेकिन जो क्वांटिटी है वो एक ही है। उदाहरण के लिए, किसी देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए औसत का प्रयोग करना होगा क्योंकि विधिवत लोगों की आय में अंतर है। यानी कि लोगों की जो आय है वो कैसी है, अलग अलग है। अब किसी के 10,000 रुपए महीना हो सकती है, किसी के 4,000 रुपए भी हो सकती है। अब किसी की 4 है तो किसी की 5, 2, 3, 10, 11, 15, 20 भी हो सकती है। तो एक उन सबको जोड़कर, टोटल आय को जोड़कर, जैसे निकालते हैं ना किसी देश की एवरेज, वो निकालते हैं आय, क्या करते हैं उसके लिए टोटल आय अपॉन टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर देते हैं और पता लग जाता है कि एक व्यक्ति की औसत आय कितनी है। अब औसत आय में ये छिप जाता है कि अमीर कौन है और गरीब कौन है, कि किसकी ज्यादा है किसकी कम, वो नहीं दिखाई देती हम लोग। ठीक है, अब कह रहे हैं कि क्योंकि विधिवत तरीका से, हालांकि औसत के उपयोग की सीमाएं हैं, यानी कि लिमिट, ऐसा नहीं कि आप हर जगह औसत आय निकालना शुरू कर दोगे, औसत स्वास्थ्य निकालना शुरू कर दोगे, औसत शिक्षा निकालना शुरू कर दोगे, नहीं, कुछ सीमाएं हैं। भले ही तुलना करने के लिए उपयोगी हो लेकिन असमानताओं को छिपा सकता है। अब छिपा सकता है किसी भी, अब मान लीजिए आपकी क्लास में सारी बच्चियां बैठी हैं, किसी की इनका 5,000 महीना हो, किसी की 3,000, किसी की 4, किसी की 10। अगर मैं क्लास का पूछूं कि एवरेज इनकम कितनी है तो टोटल इनकम को जोड़कर डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हारे नंबर से, तो आप लोगों का नंबर्स होगा, पता लग जाएगा कि एक व्यक्ति की कम से कम इतनी तो है, इससे कम नहीं सकती, तो वो निकल जाएगा एवरेज। तो क्या होगा, आप जिसकी ज्यादा होगी वो छुपा देगा, पता ही नहीं चलेगा उस आदमी को, और किसकी कम होगी ये भी नहीं दिखाई देगा। एग्जांपल समझते हैं
किसी देश में शिशु मृत्यु दर उस देश में पैदा हुए पुरुषों के बच्चे और महिला को तुलना के बीच का अंतर नहीं करता, यानी कि यह अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता कि जो आपका शिशु मृत्यु दर है उसमें पुरुष या महिला, या कह सकते हैं कि लड़के अधिक मृत्यु हुई क्या आपका लड़की की। तो बच्चों ये हमको देखना होगा, जिससे कुछ आपके चीजें हैं जो डिफरेंसेस हैं वो आपको दिखाई देते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे आप लोग घर पर जाकर इस चैप्टर को रिविजन करेंगे और जितने कौन सा जो आपको मैंने प्रश्न उत्तर कराए हैं इसको पढ़ेंगे, और कल इसी समय पर मैं आपकी क्लास लूंगा और सभी बच्चे अपनी कक्षा में उपस्थित रहेंगे, चैप्टर का रिविजन करके आएंगे, और कल मैं किसी बच्चे से भी कुछ ना कुछ जरूर पूछूंगा और मुझसे जुड़े बात करें, कुछ अपना सजेशन हो, कुछ सुझाव हो आप मुझे। तो बच्चों तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।